नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक कर रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा। आईबीपीएस क्लर्क 2017 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, कल आईबीपीएस पीओ के जो एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन है, वो ख़त्म हुए हैं और उसके बाद ही आईबीपीएस क्लर्क की अधिसूचना आईबीपीएस द्वारा जारी कर दी गई है। जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जनवरी माह में होगा, प्री और मेन एग्ज़ाम, और उसके बाद आप सभी जानते हैं 31/3/2019 में रिजल्ट निकलेगा और सभी लोगों के अलॉटमेंट हो जाएंगे। बात करें पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन की कि कौन कौन सी बैंकें इस बार शामिल होंगी, तो वही जो कुल मिलाकर 20 बैंकें हैं वो सभी इस बार 19 बैंकें हैं क्षमा करें 19 बैंकें हैं वो एक बार फिर शामिल होंगी। जो परीक्षा का कार्यक्रम रहेगा वो मेन चीज़ है वो देखने वाली, कि 12/9 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12/9 से 3/10 यानी कि 12 सितम्बर से 3 अक्टूबर के बीच होंगे। पेमेंट भी सेम डेट में होगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है नवंबर 2017 में होगी, जो डाउनलोड कर सकते हैं उसका जो प्री एग्ज़ाम कंडक्ट होगी वो नवंबर 2017 में होगी, 13/11 से 18/11 तक। जो ऑनलाइन प्री मेटली एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड है वो नवंबर 2017 में डाउनलोड होंगे, और 2/12, 3/12, 9/12, 10/12 में प्री मेटली एग्जामिनेशन आईबीपीएस क्लर्क का आयोजित किया जाएगा, यानी कि 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। प्री मेटली एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर 2017 में आ जाएगा। मेन एग्ज़ाम के कॉल लेटर आप जनवरी 2018 में प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 21/1/2018 में होगा, और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है 1 अप्रैल 2018 को प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि बैंक आपको अलॉट कर दिए जाएंगे परीक्षा पास करते ही। तो दोस्तों, ये आईबीपीएस का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है और टारगेट विद कंपटीशन एग्ज़ाम सबसे पहले आपके पास लेकर आया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सामान्यतः जो सारी चीज़ें होती हैं वही चीज़ें, नेशनलशिप, सिटीजन नेपाल का हो, इंडिया का हो, भूटान का हो, ये जो भी आपको करना है। इसके अलावा मेन चीज़ है जो एज लिमिट है, एज जो है वो 20 से 28 वर्ष मांगी गई है, यानी कि 2/9/1989 से पहले कैंडिडेट पैदा ना हुआ हो, 1/9/1997 के बाद कैंडिडेट बाद में बॉर्न ना हुआ हो। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। बात करें सबसे महत्वपूर्ण आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस तरह से दी गई है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है वो 3/10/2017 से पहले आपके पास होना चाहिए। जिस भी बॉडी से आप ग्रेजुएशन प्राप्त करेंगे तो सभी चीज़ें आपके पास 3/10/2017 से पहले होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी मेन चीज़ आती है अब जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जैसे आप सभी को मालूम है। 1 घंटे का समय होगा, 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, रीजनिंग एबिलिटी आती है। इनमें से 30, 35, 35 क्रम से क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35, रीजनिंग में 35, जो दिसंबर माह में होने वाला है। तो इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर इसमें आईबीपीएस कट ऑफ जारी करेगा, जो कि मेंस एग्ज़ाम देंगे। मेंस एग्ज़ाम के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। जहां तक मेंस एग्ज़ाम की स्कीम्स हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टाइम स्लॉट आईबीपीएस ने जारी कर दिया है। तो आईबीपीएस क्लर्क में भी पहली बार ये टाइम स्लॉट आया है, तो इस चीज़ को बड़ा महत्वपूर्ण देखें। जो जनरल इसमें टोटल पहले 5 सब्जेक्ट पूछे जाते थे, कंप्यूटर अलग से पूछा जाता था, लेकिन अब क्या रीजनिंग के साथ ही इसे शामिल कर दिया गया है। बात करें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे, 35 मिनट का समय दिया गया है। जनरल इंग्लिश के लिए 40 मिनट का 40 मार्क्स आए मैक्सिमम मार्क्स, जबकि 35 मिनट का समय दिया है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जब भी आप कोई भी पार्ट चूज करेंगे तो उसके लिए उतने मिनट शुरू हो जाएंगे। बात करें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एबिलिटी, ये
ये एप्टीट्यूड जो एक साथ अब कर दिया गया है। ये कंप्यूटर क्वेश्चंस पहले आते थे, लेकिन अब पूछा जाएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें से कंप्यूटर से रिलेटेड और बाइनरी डिजिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस जो चीज़ है इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। हम लगातार इसी तरह की अपनी वीडियो लाते रहेंगे इस तरह की प्रैक्टिस के लिए, जो भी हमारे पास लेटेस्ट क्वेश्चंस आप हमारे पास आएंगे। तो इसके लिए 50 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स दिया गया है, जबकि इसके लिए 45 मिनट का समय स्लॉट किया गया है। क्वांटम एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट स्लॉट किए गए, कुल 160 मिनट में आपको 200 मार्क्स अंक प्राप्त करने के लिए 190 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इस तरह से ये जो ऑनलाइन एग्जाम की जो प्रक्रिया है प्री और मेन, वो IBPS ने निर्धारित कर दी है। बाकी वही चीज़ है, कट ऑफ स्कोर जो जारी करेगा वो नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर जारी करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको अप्लाई क्या करना है, अप्लाई के विषय में मैं आपको बता दूं, 12/9 से 3/10 के बीच आपको अप्लाई करना है सारी चीज़ों के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करके। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन सेंटर आएंगे वह बायोमेट्रिक टेस्ट भी आपका आयोजित होगा। और जो फीस है वो जो फीस जो रखी गई है वो 600 रुपये, 100 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, जबकि 600 रुपये अदर्स के लिए रखी गई है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, आपको 12/9 से 3/10 के बीच भी ही ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। तो जो ऑनलाइन पेमेंट का बारे में बताया गया है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो कि आपके काम के होंगे। बताया गया है कि आपको कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं ले जानी एग्जामिनेशन सेंटर पर, जब भी आप एग्ज़ाम जाएं तो वो आप सभी जानते हैं, अपनी फ़ोटो ID वगैरह आप साथ ले जाएं। अब मेन चीज़ आती है नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे तो टोटल सीट्स आप हर प्रदेश की आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार सबसे पहले आता है, इसमें कोई भी वैकेंसीज इस बार नहीं है। बात करें आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में, तो आंध्र प्रदेश में कुल 485 वैकेंसीज हैं, जो रिजर्वेशन अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग सभी बैंकर्स ने अपनी वैकेंसीज दी हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे तो सारी वैकेंसीज देख सकते हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो 8 वैकेंसीज हैं टोटल। असम की बात करें तो 109 वैकेंसीज़ हैं। बिहार की बात करें तो 227 वैकेंसीज़ हैं। चंडीगढ़ की वैकेंसीज की बात करें तो चंडीगढ़ में कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है, 34 वैकेंसीज़ हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 118 वैकेंसीज़ हैं सभी बैंकिंग में। बात करें दादर नगर हवेली की तो उसमें 7 वैकेंसीज़ हैं। दमन द्वीप की बात करें तो 8 वैकेंसीज़ हैं कुल मिलाकर। दिल्ली की बात करें तो 272 वैकेंसीज़ हैं टोटल सभी बैंकों में। गोवा की बात करें तो 41 वैकेंसीज़ हैं। गुजरात की बात करें तो 487 वैकेंसीज़ हैं। हरियाणा की बात करें तो 175 वैकेंसीज़ हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल 73 वैकेंसीज़ हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुल मिलाकर 34 वैकेंसीज़ हैं। झारखंड की बात करें तो 127 वैकेंसीज़ हैं। कर्नाटका की बात करें तो 554 वैकेंसीज हैं। केरला की बात करें तो 217 वैकेंसीज हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो कुल 2 वैकेंसीज हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 290 वैकेंसीज आपको मिलेंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो 775 वैकेंसीज आपको मिलेंगी। मणिपुर की बात करें तो कुल 11 वैकेंसीज़ हैं। मेघालय की बात करें कुल 17 वैकेंसीज़ हैं। मिजोरम की बात करें 3 वैकेंसीज़ हैं। नागालैंड की बात करें तो 12 वैकेंसीज़ हैं। उड़ीसा की बात करें तो कुल मिलाकर 196 वैकेंसीज़ हैं। पौंडेचेरी की बात करें कुल मिलाकर 46 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब की बात करें तो 401 वैकेंसीज़ हैं। राजस्थान की बात करें कुल मिलाकर 344 वैकेंसीज़ हैं। सिक्किम की बात करें तो कुल 11 वैकेंसीज़ हैं, आपको 11 वैकेंसीज़ मिलेंगी। तमिलनाडु की बात करें तो 1277 सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इस बार तमिलनाडु में आई हैं, 1277 वैकेंसीज़ कुल मिलाकर सभी बैंकों की। तेलंगाना की बात करें तो 344 वैकेंसीज़ हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 18 वैकेंसीज़ हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की जो कि
वैकेंसीज़ के लिए काफ़ी वैकेंसीज़ पिछले कुछ सालों में आई हैं, केवल 665 वैकेंसीज़ इस बार आई हैं। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 78 वैकेंसीज़ इस बार आई हैं IBPS क्लर्क में। और लास्ट आता है वेस्ट बंगाल, जिसमें कि 417 वैकेंसीज़ इस बार आई हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसीज़ बारे में दिखा, आप वीडियो को पॉज करें या PDF फाइल भी आप प्राप्त कर सकते हैं साइट से ibps.in से। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं, अपने प्रदेश का किस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश का ये आप एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण है कि आप सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दें और IBPS का तैयारी में जुट जाएं। जैसे ही हमारे पास कोई भी ऑफिशियल चीज़ें आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ IBPS की जितनी भी तैयारी है वो हम आपको साथ के साथ कराते रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि IBPS का आज जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।